Please do subscribe to our channel and click the bell icon. स्पाइडर एक 2017 भारतीय स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देश A.R. मुरुगदास ने लिखा है। फिल्म को तेलुगु और तमिल में एक साथ शूट किया गया था। फिल्म प्रमुख भूमिकाओं में महेश बाबू, S.J. सूर्या और राकुल प्रीत सिंह हैं। हैरिस जयराज संगीतकार और संतोष सिवान फिल्म के छायाकार हैं। फिल्म का उत्पादन 2015 में शुरू हुआ और फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी जुलाई 2016 में शुरू हुई। इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिस के एक अधिकारी शिव यानी महेश बाबू उन लोगों पर जासूसी करते हैं जिनको सहायता की जरूरत है। वह अपने फोन कॉल पर नजर रखने से जरूरत लोगों को सुनने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित करता है। 16 मार्च की रात में वह चाली यानी राकुल प्रीत सिंह की बात सुनकर 96% से 98% से अपने दोस्त के साथ अमेरिका एडमिशन पाने के लिए अपनी इच्छा के बारे में बात कर रही है। शिव उसके पीछे चलते हैं और चाली प्यार में पढ़ने लगती हैं, लेकिन शिव के रूप में उनका मुख्य उद्देश्य लोगों की मदद करना नहीं है। 28 अप्रैल की रात में वह एक जवान लड़की से मदद के लिए अपने दोस्त से पूछता है क्योंकि वह अपने घर में अकेली है और डर गई है। शिव ने अपने दोस्त और नई पुलिस कांस्टेबल रेणुकन को लड़की की मदद के लिए भेज दिया। हालांकि अगले दिन एक समाचार चैनल घोषित करता है कि दोनों मारे गए हैं। शिव साइट पर जाते हैं और पता चलता है कि यह एक ब्रूटल मर्डर है। यह पता करने के लिए कि किसने हत्या कर दी वह लड़की की चैट और ठिकाने स्पाई करते हैं। वह पाता है कि एक आदमी ने कैफे में उसका पीछा किया। फिर वह अतीत को लड़का भैरव डू S.J. सूर्या के बारे में सीखता है कि उन्हें लोगों को मारने और पीड़ितों के परिवार को रोने की चिंता है। उन्होंने अपने छोटे भाई के साथ अपनी चिंता जारी रखने के लिए गांव छोड़ दिया। शिव उसे पकड़ने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन इसके बजाय वह भैरव डू का छोटा भाई यानी भरत कहता है। भैरव डू ने बताया कि उन्होंने 23 लोगों की हत्या कर दी और एक पुल के 23 खंभे में अपने शरीर को छिपा दिया और पूरे नागरिकों को अपने भाई को छोड़ने की धमकी दी। हालांकि शिव ने 23 लोगों के परिवारों के सामने भैरव डू के भाई को मार डाला जिसमें गुस्सा भैरव डू भी शामिल था। सबसे पहले भैरव डू शिव के परिवार वह धीरे धीरे रिकवर हो जाता है और भैरव डू पाने पर वापस आ जाता है क्योंकि शिव ने उन्हें गोली मार दी थी इससे पहले कि वह बेहोश हो गया। वह सोचता है कि भैरव डू ने खुद को एक घर में छिपा दिया है। स्थानीय महिलाओं की मदद से शिव पाता है भैरव डू को पकड़ता है और गिरफ्तार करता है, लेकिन भैरव डू ने उन्हें बताया कि उन्होंने पहले ही शहर में एक बड़ा रॉक गिरने की योजना बनाई थी। शिव ने बड़ी चट्टान को रोकने का प्रबंधन किया जिसने शहर में कई कारों को कुचल दिया, लेकिन लोगों को बचाया। भैरव डू पुलिस क्वार्टर से पलायन करते हैं और एक अस्पताल को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। शिव वहां पहुंचते हैं जबकि इमारत गिर जाती है और जितना बचाता है उतना बचाता है, लेकिन कुछ रोगियों को नहीं बचा सकता। अंत में शिव ने अंततः भैरवडू को मार डाला और मीडिया को मानवता के बारे में बताया और हम बेहतर कैसे हो सकते हैं।